दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क के स्टार्टअप न्यूरालिंक ने गुरुवार को कहा कि उसे अमेरिकी रेगुलेटर्स से लोगों में अपने ब्रेन इम्प्लांट्स का परीक्षण करने की मंजूरी मिल गई है। न्यूरालिंक ने कहा कि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए की ओर से पहली बार इंसानों पर क्लिनिकल स्टडी को मंजूरी मिलना उसकी तकनीक के लिए एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। न्यूरालिंक का उद्देश्य इंसानी दिमाग को सीधे कंप्यूटर के साथ इंटरफेस कर देना है। न्यूरालिंक ने ट्विटर पर कहा, हम ये बताने के लिए बहुत उत्साहित है कि हमें अपना पहला इन ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने के लिए एफडीए की मंजूरी मिल गई है। ये एफडीए के साथ मिलकर न्यूरालिंक टीम की ओर से किए गए अविश्वसनीय काम का नतीजा है। न्यूरालिंक के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल के लिए भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। इलॉन मस्क ने दिसंबर में एक प्रेजेंटेशन के दौरान कहा था कि न्यूरालिंक इम्प्लांट का उद्देश्य इंसानी दिमाग को कंप्यूटर के साथ सीधे कम्युनिकेशन करने में सक्षम बनाना है। मस्क ने कहा था, हम अपने पहले ह्यूमन इम्प्लांट के लिए तैयार होने की कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जाहिर है हम इंसानों में कोई डिवाइस डालने से पहले बेहद सावधान और स्पष्ट होना चाहते हैं। ये अच्छी तरह काम करेगा। टेस्ला और स्पेस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने पिछले साल ट्विटर खरीद लिया। जुलाई 2019 में उन्होंने संकल्प लिया था कि न्यूरालिंक 2020 में इंसानों पर अपना पहला टेस्ट करने में सक्षम होगा। हालांकि अब जाकर ये संकल्प पूरा होने वाला है। प्रोडक्ट प्रोटोटाइप एक सिक्के के आकार के होते हैं जिन्हें बंदरों की खोपड़ी में इम्प्लांट किया गया है। प्रेजेंटेशन के दौरान कंपनी ने कई बंदरों को अपने न्यूरालिंक इम्प्लांट के जरिए कुछ बेसिक वीडियो गेम खेलते या स्क्रीन पर कर्सर ले जाते हुए दिखाया। मस्क ने कहा कि कंपनी ऐसी क्षमताओं को खो चुके इंसानों में दोबारा गतिशीलता लाने के लिए प्रत्यारोपण का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। मतलब साफ है कि अब वो इंसान जो चल फिर नहीं सकते वो भी कंप्यूटर चला सकते हैं सिर्फ अपने दिमाग से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।